तो हॉलीवुड की एक नई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी मूवी आई है जिसका नाम है रेड वन। तो आइए बात करते हैं कैसी है ये मूवी। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि क्रिसमस ईव के जस्ट एक दिन पहले सांता क्लॉस, जिनका कोड नेम होता है रेड वन, उन्हें किडनैप किया जाता है। तो नॉर्थ पोल के हेड ऑफ सिक्योरिटी कैल को एक फेमस बाउंटी हंटर के साथ टीम अप करना पड़ता है रेड वन को ढूंढने के लिए। अगर उन्होंने वक्त पे रेड वन को नहीं बचाया तो फिर क्रिसमस मनाना बंद हो जाएगा। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। I adjusted its reality. And does that... No, it doesn't work on everything. No, you can't try it. No, you can't drive. No more questions. Now get in. तो ये एक अच्छी फन मूवी है, फैमिली फ्रेंडली मूवी है, तो पूरे परिवार के साथ देख सकते हो। मूवी के स्टार्टिंग से ही अच्छी कॉमेडी है जो मूवी के क्रिएटर्स एंड तक बनाए रखते हैं। मूवी में रनवे पे जब रेंडियर्स टेक ऑफ करते हैं और रेडवन को जब एयर सपोर्ट मिलता है, वो वाला सीन काफी कड़क था। इस मूवी के लिए जेके सिमंस ने 69 की उम्र में अच्छी बॉडी बनाई है। उनका मूवी में वर्कआउट वाला सीन मस्त था। इस मूवी को आप गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जैसे समझ सकते हो, लेकिन मुझे ये मूवी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से ज्यादा पसंद है। ड्वेन जॉनसन की मूवीज यूजुअली लाइट हार्टेड और फन होती है, और इस मूवी में भी ड्वेन जॉनसन, क्रिस एवांस, लूसी लियू और किरण चिपका ने अच्छा काम किया है। इस मूवी में एक कैरेक्टर कहता है, द टाइम हैज कम टू मेक देम बिहेव, टू पनिश ऑल द नॉटी वंस। अगर ये फैमिली फ्रेंडली मूवी नहीं होती तो उसका कुछ और ही मतलब निकलता, और मूवी देखते वक्त वही मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था, हेट माई माइंड। मूवी के एक्शन सीन्स भी मस्त है। जब वो स्विमिंग पूल बर्फ में जम जाता है, वो वाला सीन मस्त था। तो ये एक अच्छी फन वन टाइम वॉच मूवी है और मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार तो जरूर देखना। आपको मूवी देखते वक्त कहीं पे भी बोर नहीं होगा, और कई बार हमें ऐसी ही लाइट हार्टेड मूवीज की जरूरत होती है। मूवी के बारे में मुझे कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। मैं इस मूवी को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग।